आज के युग में हम जिस प्रकार अपनी प्राकृतिक धाराओं का गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण यमुना नदी के रूप में हमारे प्रत्यक्ष है। जो कभी लोगों के लिए जीवन धारा हुआ करती थी, आज उसने गंदे नाले का रूप ले लिया है, जिसके कारण हमें एक तरफ पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए भी हमें एक मुश्किल पैदा हो रही है। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने जापान सरकार के साथ मिलकर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से यमुना एक्शन प्लान फेज़ वन की शुरुआत अप्रैल 1993 में हरियाणा के शहरों में की, जिनका नाम इस प्रकार है: यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव एंड फरीदाबाद। इन सभी शहरों में नई सीवरेज लाइन को बिछाने का काम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण, कम्युनिटी टॉयलेट्स को बनाने का काम और उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिसमें यमुना प्रदूषित हो रही है। लेकिन जब यमुना एक्शन प्लान फेज़ वन पूरा होने वाले था, तब उस फेज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस कंपोनेंट की कमी पाई गई, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन और उनका जागरूक होना अति आवश्यक है। ये सब देखते हुए यमुना एक्शन प्लान फेज़ टू में निर्माण कार्यों के साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन अवेयरनेस को भी इम्पोर्टेंस दी गई, जिसके सोशल इंजीनियरिंग सेल, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, स्टेट फैसिलिटिंग एजेंसी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के माध्यम से हरियाणा के 6 नगरों में किया गया। इस PPA कंपोनेंट के अंदर स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि यह प्रोग्राम सीधा अपने प्रभाव बच्चों पर डालता है और बच्चे ही प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के चेंज एजेंट हैं, जो भारतवर्ष के होने वाले जिम्मेदार नागरिक भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज का मिसयूटिलाइजेशन किया, उस कमी को यही बच्चे सही मेथड फॉलो करके पूरा करेंगे, क्योंकि बच्चे ही सुनहरे काल का प्रतीक है। यमुना एक्शन प्लान 2 के पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस कंपोनेंट के तहत हरियाणा के 6 शहरों में 369 स्कूलों में स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई NGOs को पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ने स्टेट फैसिलिटेटिंग एजेंसी की तौर पे ट्रेनिंग दी, मोटिवेट किया और सजेशंस दिए कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को 5 चरणों पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश दिया गया। उसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभियान पर, जैसे हैंड वॉशिंग डे, वाटर डे, अर्थ डे और पर्यावरण दिवस आदि के बारे में स्कूली बच्चों को जागृत किया गया। उसके साथ साथ बच्चों को अपने घरों में और आस पड़ोस में स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान देने का संदेश दिया गया। फिर बच्चों को यमुना की दुर्दशा दिखाई और उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पानी को साफ करने में आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया। मे आई कम इन मैडम? हम स्कूल में बच्चों के लिए स्वच्छता क्लब बनाकर उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं।
स्वच्छता क्लब से क्या होगा, मैं बहुत बिजी हूँ। हम नुक्कड़ नाटक द्वारा बच्चों को जागृत करेंगे। ठीक है, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नुक्कड़ नाटक कर लीजिए। अगले सोमवार को स्कूल में नुक्कड़ नाटक है, सब बच्चे अपने माता पिता के साथ देखने आए। लीजिए जनाब, हमारा नुक्कड़ नाटक पेश है। हम आपको बहुत सी बातें बताने आए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आपको वो बातें पता तो हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो लीजिए, हमारा नुक्कड़ नाटक पेश है। सुनिए सुनिए, हम आपको कुछ सुनाने आए हैं। जी हाँ, हम आपको समझाने आए हैं। यमुनोत्री से निकला पानी स्वच्छ और निर्मल होता है, और जैसे ही शहरों में आता है गंदा हो जाता है। यमुना ही नहीं, आसपास हमें अपनी स्वच्छता के बारे में भी सोचना चाहिए। स्वच्छता के बिना जीवन की नैया डगमगाने लगती है। बीमारियों का, दवाइयों का, अस्पताल का कमर तोड़ खर्च बढ़ जाता है। हमारे संदेशों से आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारा नाटक देख के आप दंग रह जाएंगे। शाबाश, क्यों बच्चों, प्रस्ताव सही से लिख रहे हो ना? जी सर। आह आह सर, सर दांत में बहुत दर्द हो रहा है, हमें छुट्टी दे दीजिए। दांत में दर्द हो रहा है? ला देखो तो, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। क्या तुम दांत नहीं मांजते हो? तुम नहाए भी नहीं हो, कितनी गंदी ड्रेस है तुम्हारी। सॉरी सर। चलो सबको बताओ हमें सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठकर हमें दांत मांजने चाहिए। दंत मंजन, दातून, ब्रश, उससे अपने दांतों को साफ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे दांतों में दर्द नहीं होगा। हमें रोजाना नहाना चाहिए और साफ ड्रेस पहनकर स्कूल आना चाहिए। मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और दांतों में दर्द भी नहीं होगा। अच्छी, अपने पास रुमाल रखो। छींक या खांसी आने पर हमेशा मुंह को ढको। रुमाल का उपयोग करने से कीटाणु नहीं फैलेंगे जो दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। सर मैं पानी पिया हूँ। सर मैं भी बोतल से पानी पिया हूँ। जाओ पी लो। लाओ मुझे भी पिलाओ। अरे अरे नहीं, मत डालो। चलो क्लास में आके बैठो, पानी बर्बाद मत करो। तो याद रहे, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। जल ही जीवन है, पानी को बर्बाद ना करें। स्कूल में पानी की टंकी पर और घर में इस्तेमाल के बाद नल बंद कर दें। नहाते हुए पहले बाल्टी में पानी भर लें, फिर नहाएं। हाथ या मुंह धोने से पहले मग में पानी भर लें, फिर इस्तेमाल करें। और जब ब्रश करें या शेव करें तो नल को खुला ना छोड़ें। शौच के बाद साबुन से हाथ धोए हैं? ना तो अंदर पानी है और ना ही साबुन, हाथ धो तो कैसे धोऊं? लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मेरे हाथ तो साफ है। शौच के बाद हमारे हाथों में कीटाणु लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। भोजन या कोई भी वस्तु खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। नाखूनों को भी समय समय पर काटते रहें और साफ करते रहें। खुले में शौच करने से हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। हमें शौच के लिए शौचालय में ही जाना चाहिए। शौच के बाद पानी जरूर बहाएं, वरना गंद पर बैठी मक्खियां आपके भोजन पर बैठ के आपको बीमार कर सकती हैं। और तकरीबन 75 करोड़ लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते। गंदे हाथों से आपको उल्टी, दस्त, हैजा, सांस की बीमारियां, त्वचा और आंख की बीमारियां हो सकती हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग शौच करने के बाद हाथ नहीं धोते। खाना बनाने से पहले सिर्फ 30 से 32 करोड़ लोग ही हाथ धोते हैं। जी हाँ, दुनिया भर में 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष हाथों की गंदगी से मरते हैं। तो याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल है। क्या तुझे हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, और तुम यहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारी आंख पर ये हमने पट्टी बांधनी है। पकड़ो 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 पकड़ो। शाबाश,
ये मैंने तुम्हारी आंख पे पट्टी बांधी, ये चलो भाई ढोल बजाओ, चलो भाई। हाँ लाओ भाई लाओ, गिफ्ट का पैकेट दे दो। वाह वाह, चलो बच्चा हो, ये लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बच्चों आओ जरा, हैप्पी बर्थडे तो कर लो इसको। चलो चलो आप देखे तो क्या है। साबुन, थैंक यू। मैं साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके स्कूल के सब बच्चों में बांट दूंगी ताकि सब हमेशा साबुन से हाथ धोए। अरे भाई तुम लोग यहाँ? सर आपके कहने पे हमने सब काम पूरा कर लिया है। अच्छा भाई हमें भी तो पता चले क्या क्या काम पूरा कर लिया। हमने स्कूल में पेड़ और पौधे लगाए हैं। सर हमने गमलों में भी पौधे लगाए हैं। हमने स्कूल का पार्क भी साफ कर लिया है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अरे भाई इन गठरियों में क्या है? कूड़ा। क्या पॉलीथिन को जला देना चाहिए? हम इन्हें जलाएंगे नहीं, सूखे पत्तों को क्यारियों में या खेतों में गाड़ देंगे और इन पॉलीथिन को कबाड़ी को दे देंगे। जलाने से क्या होगा सर? पॉलीथीन और सूखे पत्ते जलाने से बहुत ही जहरीली गैस निकलती है जिससे हमें सांस की बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, खांसी, टीबी आदि। पॉलीथीन के बदले हमें कपड़े के थैले और कागज के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। सब्जी के छिलके, फलों के छिलके और रोटी बांधकर पॉलीथीन में नहीं फेंकने चाहिए। पॉलीथीन सहित छिलके खाने से घरेलू जानवर मर भी सकते हैं। पर ये सब तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ आप करते आए हैं वो हमारे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए हम अब सही रास्ता अपना रहे हैं। पहले जनसंख्या कम थी तो कूड़ा भी कम होता था, आज जनता अधिक है तो कूड़ा, गंदगी और पानी की गंदगी बढ़ गई है। पानी भी गंदा नहीं था। आप अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वास्थ्य और तंदुरुस्त संसार का निर्माण करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ यानी सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है। तो यमुना में अपने पूर्वजों की राख ना बहाएं। पूर्वजों की राख को हम मंदिरों में, गुरुद्वारों के पार्क में, गमलों में और पेड़ों में भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ स्वच्छता कमेटी तो है जो बच्चों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब हम एक स्वच्छता क्लब बना रहे हैं जो स्कूल में, पड़ोस में और बस्तियों में अपनी बात समझाते हैं। स्कूल में हमने बच्चों को इसलिए चुना है कि वो एक चेंज एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर ये बदल गए तो आगे चलकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होंगे। हम लोगों को समझाएंगे कि मरे हुए जानवरों को, हड्डियों को यमुना में ना बहाएं। फैक्ट्री का व्यर्थ पदार्थ और केमिकल युक्त पानी यमुना में जाने से रोकना है। यमुना में जानवरों को नहलाना, धोबी घाट आदि समाप्त करें। मूर्ति विसर्जन से जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लोगों को समझाना होगा। हम आज से बल्कि अभी से ये अभियान शुरू करते हैं। आओ सब मिलजुल हाथ बढ़ाएं, यमुना जल को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छता का जीवन अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। नाखून दिखाओ, हाथ दिखाओ। यमुना एक्शन प्लान 2 के स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान से बच्चों में बहुत बदलाव आया है। स्कूल के साथ साथ आस पड़ोस में, घरों में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देने लगे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं रोज अपने दांत मांजता हूँ, इसीलिए मेरे दांत मजबूत हो गए हैं और अब मुंह से बदबू भी नहीं आती है, ये देखिए। मैं शौच के बाद अपने हाथ साबुन से धोता हूँ। घर में और आस पड़ोस में मैं सफाई करवाता हूँ। मैं रोज नहा के स्कूल जाता हूँ और दांत भी मांजता हूँ। हम स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व समझ गए हैं।